हाँ जी श्रीमती श्रीमत से सदगति मनुष्य मत से दुर्गति निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो हो निंदा करने वाले हमारी मित्र कैसे हो। जब हम पूछते हैं कि जो निंदा करने वाला है वो हमारा मित्र कैसे होगा तो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, एक जन्म की बात नहीं है। पिछले जन्मों में ये हमने हिसाब किताब बांधे हैं। निंदा और स्तुति के अभी संगमयुगी ब्राह्मण जन्म में ये हिसाब किताब की रील खुल रही है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे वो आकर के अब ब्राह्मण बने हैं, एक कुरी के ब्राह्मण हैं या नौकुरियों के नंबरवार ब्राह्मण हैं। तो जो और कुरियों के ब्राह्मण हैं, कच्चे ब्राह्मण हैं, कच्चे देवताएं बनेंगे, फिर द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जावेंगे तो भारत की निंदा करने के संस्कार उनमें भरे हुए हैं या नहीं है। वो शूटिंग पीरियड में भी प्रत्यक्ष होते हैं, उनके निंदा करने से हमारे पाप भस्म होते हैं। तो हमारे मित्र हुए या शत्रु हुए? और साइलेंस का रचना साइलेंस की रचना की रत्न रचना रचना हाँ साइलेंस साइलेंस माने याद और साइंस माने आवाज में आना, विस्फोट करना। तो दोनों विरोधी हैं। साइंस का मूल उद्देश्य क्या है? साइंस का मूल उद्देश्य और मूल काम दुनिया का विनाश करना है। हाँ पॉजिटिव बहुत थोड़ा। दुनिया में कितने परसेंटेज गरीब हैं? और वो गरीब साइंस के ऊपर होल्ड करने वाले कितने हैं? थोड़े हैं या ज्यादा हैं? और जो साइलेंस का बल है वो भी थोड़े ही प्राप्त करते हैं। परंतु जिस साइलेंस के बल से नई दुनिया स्थापन होती है उस नई दुनिया में 100% सुखी रहते हैं या कोई दुखी भी होते हैं? है? सारे ही सुखी रहते। तो कहां साइलेंस का बल जिसमें सब सुखी हो जाते हैं और कहां साइंस का बल
सारी दुनिया दुखी हो जाती है, जो आज अपन को बहुत सुख में अनुभव कर रहे हैं, साइंस के सुख भोग रहे हैं, वो आने वाली कल की दुनिया में बहुत दुखी होने वाले हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। साइंस की प्राप्ति और साइलेंस की प्राप्ति में साइंस का रचयिता और साइलेंस का रचयिता बहुत अंतर है। वो भगवान है और वो शैतान है। और बाबा एक बार ये आत्मिक स्थिति में बीज रूप में स्थित होना, उसका थोड़ा अनुभूति कैसा है? अनुभूति कैसा हो? अच्छे और बुरे संकल्पों में रमण करना, बुरे संकल्पों में रमण करने से तो बुरी अनुभूति होती है, सबको अनुभव है, लेकिन अभी इस विनाशी दुनिया में अच्छे संकल्पों में रमण करते रहें और बीज रूप स्टेज धारण न करें। अच्छे से अच्छे संकल्पों में भी रमण करेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हैं। है कि उतना ही अच्छे संकल्पों में रमण कर सकेंगे जितना गहराई से ज्ञान उठाया होगा। इसलिए कहते हैं कि जो जितना ज्ञानी होता है उतना ही ईश्वर से प्राप्ति करता है। ज्ञान माना ही पहचान और ईश्वर से संपूर्ण प्राप्ति करने वाला संपूर्ण ज्ञानी होगा और संपूर्ण ज्ञानी 100% बाप समान ही होगा या नंबर वार होगा? बाप समान ही होगा, वो तो नारायण ही है जिसे विश्व का बादशाह कहा जाता है। वो नारायण नहीं जो सतयुग में जन्म लेंगे। सतयुग में जन्म लेने वाले और वो नारायण का उपाधि धारण करने वाले यथार्थ अर्थ में नारायण होते हैं। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, उनका घर ज्ञान जल में होता है जिसकी यादगार कहां बनी हुई है? है नेपाल में ही यादगार बनी हुई है। जरूर नई से नई दुनिया को पालन करने वाले के लिए ये यादगार बनाई गई है। वो कौन सी स्टेज में टिकता होगा? पत्तों में पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, जड़ों में समाया हुआ होता है, टहनियों में समाया हुआ होता है,
फल और फूलों में समाया हुआ होता है या बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है? तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज नारायण है। जरूर बीज रूप स्टेज में स्थिर होता होगा कि आखिरीन संकल्पों के विस्तार में जाएगा, आखिरीन कौन सी स्टेज में जाएगा है? संकल्पों के विस्तार में जाएगा या बीज रूप स्टेज में जाएगा? बीज रूप स्टेज में जब जाता है तब ही नया वृक्ष तैयार होता है। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संकल्पों से परे जाना है। इच्छा मात्रम अविद्या। और बाबा इस अधिक की वाणी की क्लेरिफिकेशन में मुकर और रथ से जो बोला हुआ उसी को मोदी कही नहीं एवरेजी मुरली अर्थात मोड़ली। जैसे चाहे वैसे अर्थों को मोड़ लिया और वो मोल्डिंग पावर भगवान में ही होती है। जो हर प्रकार से सच्चाई को ही साबित करती है। वो वाणी चाहे ब्रह्मा की वेद वाणी हो, चाहे सदगुरु शंकर की वाणी हो, बाप टीचर सदगुरु की वाणी हो या माता की वाणी हो, उसके गुह्यार्थ सबकी समझ में एक जैसे नहीं आ सकते। उस वाणी बोलने वाले को कवि कहा गया है। कविम पुराणम अनुशासितारम, वो ईश्वरीय वाणी प्राचीन से प्राचीन वाणी है। 5000 वर्ष से भी पुरानी है। पुराण पुरुष के द्वारा बोली हुई है। ऐसे नहीं है कि बाप के प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 से ही वाणी निकली है। वो जिसे मुरली कहा गया है, वो सच्चाई की अनुभूति कराने वाली वाणी है। सच्चाई सिर्फ आदि में होती है, मध्य में होती है या आदि मध्य अंत तीनों में होती है। आदि में भी प्रजापिता के द्वारा जो वाणी बोली गई थी वो भी सत्य
नित्य युग स्थापन करने वाली सच्ची वाणी थी। मध्य में भी बोली जाती है, वो भी सत्युग स्थापन करने वाली वाणी है, और अंत में जो बोली जाती है, जबकि प्रैक्टिकल में बाप संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो सबके देखने सुनने में आती है। जिसकी व्याख्या में अव्यक्त वाणी में बोला है कि जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले बाप आ गया, रात्रि के 12 बजे भी सूर्य उदय होता है, चार पांच बजे भी सूर्य उदय होता है, और दोपहर के 12 बजे भी सूर्य प्रत्यक्ष होता है। घोर सोजरा कब कहेंगे? जो अंधों की भी आंखें खुल जाएं। दोपहर के 12 बजे उस समय राम का जन्म कहा जाता है। कृष्ण का जन्म रात्रि में मनाया जाता है और राम का जन्म घोर सोजरे में मनाया जाता है। क्यों? वो प्रत्यक्षता की अंतिम बेला है, इसलिए भक्ति मार्ग में जब कोई मरते हैं तो अंत समय में कहते हैं राम नाम सत्य है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। अभी वो टाइम जल्दी आने वाला है। बाबा तीसरा में तिरुवता राम बनता है, आखिरी राम जो बनता है वो रावण बनकर सीता को सीता का हरण करता है। ये बाबा ने बाबा में बोला है, मेरे जीवन में क्या नहीं के बाबा क्या इसका है। त्रेता में कितने जन्म होते हैं? राम कितने जन्म होते हैं? त्रेता में राम का टाइटल धारण करने वाले कितने होते हैं? अरे जितने जन्म होते हैं उतने ही राम का टाइटल धारण करने वाले राजा बनते हैं। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, तो राम का अंतिम टाइटल धारण करने वाला कोई तो होगा। पहले नंबर का तमो प्रधान होगा राम का टाइटल धारण करने वाला, या अंतिम जन्म का टाइटल धारण करने वाला राम तमो प्रधान होगा? रावण का प्रवेश किस जन्म में होता है? त्रेता के पहले जन्म में होता है या अंतिम जन्म में होता है? अंतिम जन्म में होता है। जब इब्राहिम ऊपर से आता है और तमो प्रधान में प्रवेश करता है, और दादा की आयु मृत्यु में खत्म हो जाएगी, इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्मा की आयु
मृत्यु लोक में खलास हो जाती है, अर्थात ब्रह्मा मृत्यु लोक में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा की सोल 87-88 में जो तामसी सूक्ष्म शरीरधारी चोला है उसकी इतिश्री करती है। और जैसे बच्चा पिछले जन्म का शरीर छोड़ता है और माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तो बच्चा संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, नया जन्म कहा जाता है या समझा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा ने जो सूक्ष्म तामसी चोला था वो त्यागा और नया जन्म लिया। प्रवेश जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म कहा जाता है या बाहर आती है तब जन्म कहा जाता है? तो 87-88 में सिर्फ अमर लोक की नई दुनिया में प्रवेश किया था या जन्म ले लिया है? प्रवेश किया। इसकी यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से लेटा हुआ था, बाहर नहीं आ गया। वो पीपल का पत्ता कौन हुआ है? जगदम्बा। पीपल के पत्ते का मिसाल क्यों दिया? पीपल पात सरिसमन डोला। कौन सा पत्ता ऐसा होता है जो थोड़ी सी हवा चलती है और पत्ता जोर से डोलता है? पीपल का ही पत्ता होता है। माया का थोड़ा भी झोंका सहन नहीं कर सकता। ऐसी आत्मा में वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है। वो बुद्ध रूपी पेट है, नैया बहुत हल्की फुल्की है, सागर में दिखाई जाती है, अर्थात विषय सागर में पड़ी हुई है। उस नैया के लिए गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि उसमें त्रिमूर्ति शिव की एक मूर्ति वाली आत्मा प्रवेश है, जो सतयुग के आदि में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। तो श्रेष्ठ आत्मा हुई या नंबरवार आत्मा हुई है? श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए कहते हैं कि 87-88 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर मृत्यु लोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। मृत्युलोकवासी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती,
मंदिर नहीं बनाए जाते, परंतु वही आत्मा जब अमर लोक में प्रवेश करती है, पीपल के पत्ते पर आती है, तो जगदम्बा की पूजा होती है या नहीं होती है, मंदिर बनते हैं या नहीं बनते हैं, मूर्ति बनती है या नहीं बनती है, बनती है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। जब पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वो स्थूल शरीर दोनों से परे चला गया, कब? 87 में, 88 में, तो उसका मृत्युलोक खलास हो गया। कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक में चला गया। हाँ, पूजा की बात है ना? है पूजा की बात है ना, वो तो अंत की बात है। पूजा की बात है, जब कर्म करे जगदम्बा ने, जगत की अम्बा बनने का पुरुषार्थ कब से शुरू किया? है? 63। हाँ जी, तब शुरू किया जब ढेर की ढेर कन्याएं एडवांस में सरेंडर होने लगी। उस पहली कन्या ने पांव आगे न बढ़ाया होता तो एडवांस में ढेर की ढेर कन्याएं सरेंडर नहीं होती। तो श्रेष्ठ कार्य किया या नीच काम किया? श्रेष्ठ कार्य किया। और वो श्रेष्ठ कार्य शरीरधारी डब्बे ने किया या प्रवेश करने वाली आत्मा की कमाल थी? किसकी कमाल थी? है, प्रवेश करने वाली आत्मा की कमाल थी। शरीरधारी रहते हुए भी ब्रह्मा ने जितना सहन किया ब्राह्मण परिवार में, उतना दुनिया की किसी भी आत्मा ने इतना सहन नहीं किया। परंतु चोला पुरुष का था, इसलिए कोई गायन पूजन नहीं हुआ। और बाबा, हर आत्मा किस स्थिति में कौन से शुरू होती है? जैसे कि राम वाली आत्मा 47 में तो शुरू किया है, जैसे हर आत्मा की स्थिति कब से शुरू होती है? राम वाली आत्मा ने तो 47 में सारी छोड़ दिया कि सती की शूटिंग भी था वो टाइम, फिर उस शूटिंग के अंदर वो राम वाली आत्मा कैसे आती थी? फेलियर होने की शूटिंग नहीं हुई। हाँ, शूटिंग हो गई ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे उस समय आदि में शूटिंग नहीं हुई। और सतयुग में कौन सा वर्ण होता है? देवता वर्ण होता है। ये सृष्टि चार मंजिल का मकान है, जो पहली मंजिल तैयार होती है उसमें जास्ती टाइम लगता है या ऊपर की मंजिल बनाने में जास्ती टाइम लगता है? तो 40 वर्ष लगते हैं सतयुगी ब्राह्मण वर्ण की फाउंडेशन डालने में, पहली मंजिल तैयार होने में।
इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की तीन गुनी और सतयुग की चार गुनी आयु। और बाबा ने मुझे बताया है कि संगम युग में भगवान बाप आकर के कायदेशीर राजा की फाउंडेशन डालते हैं और वो राजा चलते चलते जब सभी गलती में आ जाती है तो फिर से भारत में आकर के उस राजा को चट कर देते हैं। तो संगम युग में इसके शूटिंग में फिर से भगवान बाप के साथ किया तो उसे आपस में ऐसा शूटिंग हो जाता है, अंत में आकर के भगवान बाप के कायदेशीर राजा को चट कर देते। माने संगम युग में जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रत्यक्ष होते हैं उस बाप को जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है जब माया का फाइनल पेपर होगा तो उस फाइनल पेपर में सबको माया अनिश्चय बुद्धि बनावेगी या नहीं बनावेगी, तो राजा ही चट हो गई कि रह गई। माया विधर्मी है, माया रावण विधर्मी है या स्वधर्मी है, तो जो विधर्मी है वो ही राजा ही चट करते हैं। वो राजयोग के रहस्य को नहीं जानते जो संगम युग में बाप ने सिखाया था। माया जानती है, माया के फॉलोअर्स जानते हैं, माया रावण के फॉलोअर्स जानते हैं कि राजयोग सिखाने वाला बाप कौन है प्रैक्टिकल में और कैसे राजयोग सिखाता है। जिस योग में राज भरा हुआ है संग के रंग का, और बाबा ने बताया उसी एक क्रिश्चियन के जो भारत में जो क्रिश्चियन के द्वारा हुआ है उसी को नकल करके नेपाल वालों ने भी राजा को चट कर दिया। तो इसमें राजाओं की कमी कमजोरी रहती है, राजा की मूर्खता होती है। जो सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है वो ही सबसे जास्ती तमो प्रधानी भी बनता है। जो बेहद की नेपाल की दुनिया है, नई दुनिया की पालना करने वाली दुनिया है, उसकी शूटिंग संगम युग में होती है ना, वो नेपाल दुनिया के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के बीच में सबसे ऊंची स्टेज वाला है या नीची स्टेज वाला है। सबसे ऊंची स्टेज वाला है। नई दुनिया की पालना करने की यादगार है नेपाल, सतो प्रधान से सतो प्रधान की यादगार है, तो फिर तपो प्रधान कौन बनेगा। जो सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है वो ही सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनता है। इंडिया वाले पश्चिमी सभ्यता की नकल करने में उतने आगे नहीं जा रहे हैं जितना नेपाल आगे जा रहा है। और आत्मा की निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि और आत्मा की अवस्था बुद्धि और नीति होने की अलग अलग बात है।
इसके आपसे संबंध है क्या? जब आत्मा निष्ठा बुद्धि और अनिष्ठा बुद्धि बनने की बात, हाँ, और उस आत्मा की अवस्था उसी और नीचे जो बनती है, हाँ, तो इसका आपस में संबंध अलग अलग है या परस्पर? ये बात अलग अलग है। आत्मा जब बाप को पहचानती है तो सतो प्रधानता की शूटिंग होती है, निश्चय बुद्धि की शूटिंग होती है। और जब भूलती है, माया भुलाए देती है, अनिश्चय बुद्धि बनाए देती है, तब तमो प्रधान बनती है। और जब तमो प्रधान बनती है आत्मा, तो बाप से दूर भागती है या नजदीक आती है? है दूर भागती है। सतो प्रधान आत्मा जब बाप को पहचानती है तो सरेंडर बुद्धि होती है, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मुझे तो बाप ही चाहिए। और वही आत्मा जब तमो प्रधान बनती है शूटिंग पीरियड में, तो अरे हम तो मुगालते में फंस गए थे, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में पहुंच जाती। तो अंतर है या नहीं है? अंतर तो होता है। हाँ, ये जरूर है, कोई आत्माएं पहले अनिश्चय बुद्धि की लिस्ट में आती हैं और कोई बाद में आती है। जो पहले पहले अनिश्चय बुद्धि की लिस्ट में आती हैं, बाप के ऊपर बार बार संशय पैदा करने की लिस्ट में आती हैं, वो द्वापर युग में पहले क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। ये शूटिंग संगम युग में होती रहती है, अभी भी हो रही है। अवस्था नीचे होना माना अनिश्चय बुद्धि माना जाएगा? अवस्था नीचे ऊपर होती है माना माया का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, माया से प्रभावित होते हैं तो खुद भी संशय बुद्धि बनते हैं, दूसरों को भी क्रिएट करते हैं। नहीं तो गीता में भी पहचान लिखी हुई है निश्चय बुद्धि की, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्योद्विजते च यः, जो संसार वालों को उद्वेग नहीं पैदा करता है, उद्वेग माने अनिश्चय नहीं पैदा करता है, और जो संसार वालों से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, संसार वालों के हिलाने से हिलता भी नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। ये पहचान है सतो प्रधान और तमो प्रधान की। सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरों को भी नहीं हिलावेगा, हिलावेगा सतो प्रधान। सतो प्रधान खुद भी निश्चय बुद्धि और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, खुद भी खुशी में रहेगा और दूसरों को भी खुशी बांटेगा। और तमो प्रधान खुद भी लटका हुआ मुंह और दूसरों को भी मुंह लटकावेगा, खुद भी उल्टे काम करेगा और दूसरों से भी उल्टे काम करावेगा। ऐसों के संग के रंग से बचना चाहिए। और है जैसे मतलब बोलते बोलते जो उल्टा निकलना चाहिए तो उल्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? माया का प्रभाव।
दादा ब्रह्मा दादा कृष्ण का आत्मा है ना, वो कैसे एक ही साथ शंकर में चंद्रमा के रूप में पाठ बजाता है, ये गुजरात आदि में अभिष्ट वाणी बोलता है, फिर जगदम्बा में भी प्रवेश कर पाठ बजाता है, कैसे एक ही साथ? एक ही साथ कहाँ बताया? जब सूक्ष्म शरीरधारी है आत्मा, हमारी आत्मा अभी स्थूल शरीर में है या नहीं है? जब हम रात में सो जाते हैं और स्वप्न लोक में चले जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर से जाते हैं या स्थूल शरीर भी चला जाता है? वो सूक्ष्म शरीर का कार्य है। हम तो अभी जिंदा हैं शरीर से, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा शरीर से जिंदा नहीं है, परंतु आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है या नहीं है? तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा स्थूल शरीर तो छोड़ गई, वो पार्ट खत्म, सूक्ष्म शरीर तो है और सूक्ष्म शरीर में रहते रहते जब राम जैसी आत्मा के संग के रंग में आती है तो बीज रूप स्टेज बनेगी या नहीं बनेगी? बन जाती है, वो बिंदी बन जाती है, उसके संग के रंग से बाहर निकलेगी तो फिर सूक्ष्म शरीरधारी गुलजार दादी में प्रवेश करती है। ये अंतर समझ में आना चाहिए। जो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है उसकी प्रवेशता का और उसके निकलने का किसी को पता नहीं चलता है। जैसे शिव ब्रह्मा में कब आता था कब चला जाता था किसी को पता चलता था? ब्रह्मा को पता चलता था, उनको भी नहीं पता चलता था। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा जिसने स्थूल शरीर छोड़ दिया वो दो रूप धारण करती है, एक सूक्ष्म शरीर वाला और दूसरा बीज रूप स्टेज वाला। ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज में जितने भी रुद्रमाला के बीज रूप मण के बनने वाली आत्माएं हैं सब में नंबरवार प्रवेश कर सकती है। शिव नहीं प्रवेश करता है, क्यों? अरे शिव एक व्यापी है, वो एक ही मकर रथ में प्रवेश करता है और ब्रह्मा की सोल जितने भी बीज रूप आत्माएं हैं उन सब में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करके सेवा भी कर सकता है। तो ये अंतर पड़ जाता है। गुलजार दादी में जो पार्ट चलता है और राम वाली आत्मा में जो पार्ट चलता है वो अंतर स्पष्ट समझ में आने योग्य है। और पुराने पुराने जो ऑडियो कैसेट है ना, पुराने पुराने ऑडियो कैसेट में मतलब बोला है शिव 108 में भी प्रवेश करके सेवा कर सकता है, ऐसे भी आया ना? मैं बच्चों में प्रवेश करता हूँ लेकिन कोई भी बच्चा साबित नहीं कर सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया है। तो जब साबित ही नहीं हो सकता तो अनुमान कहेंगे या पक्का कहेंगे? अनुमान से नुकसान होगा या नहीं होगा? कोई झूठा बोलने लगे मेरे अंदर शिव बाबा आता है लेकिन मुरली में क्या बोला है? शिव सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है?
मुरली में तो बोला मैं एक व्यापी हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तो बोलने वाला जो बोलता है कि मेरे अंदर शिव भगवान आता है, वो सच्चखंड स्थापन करने वाला है या भगवान को सर्वव्यापी बनाने वाला है? है सर्वव्यापी बनाने वाला है। अभी शूटिंग हो रही है, ये रिहर्सल हो रही है, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया को समझ में आवेगा कि भगवान को सर्वव्यापी बना करके दुनिया को नीचे गिराने वाले कौन हैं, और एक व्यापी भगवान को समझने वाले दुनिया को ऊंचे उठाने वाले कौन कौन हैं, अभी देखने में आवेगा। शिव बाबा कहते कि मैं आप बारे में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते कि मैं आठ नारायण में प्रवेश करता हूँ। आकारी आठ नारायण में प्रवेश करता हूँ। आठ नारायण में शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे कहा ऐसे शिव बाबा कहते हैं आठ नारायण, ऐसे कोई पॉइंट में आया, कोई पॉइंट में आया। आठ नारायण जो है वो कन्वर्ट होने वाले नारायण है, जानवर बुद्धि है या पक्के देवता हैं? तो जानवरों में मैं आता हूं ऐसे नहीं, लेकिन मुरली में बोला है क्या? अरे शिव जब नाम लगा दिया, जिस शरीर में प्रवेश किया उस शरीर का नाम बाबा। शरीर तो जड़ होता है या चैतन्य? उस जड़ शरीर में शिव ने प्रवेश किया तो नाम पड़ा शिव बाबा। शिव बाबा प्रवेश करता है कि प्रजापिता वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है? नहीं, बाबा जी कहा कि बच्चे में शिव बाबा प्रवेश नहीं करते, शिव बाबा प्रवेश करते, इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा जिसे कहेंगे, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, उसके लिए मुरली में भी बोला है कि कौन शिव बाबा कहते हैं, किस अर्थ में कहते हैं। बोला है तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। कौन हुआ है? तेरी किसको कहा जाता है? एक को कहा जाता है, दो चार को कहा जाता है, एक को कहा जाता है। तो अगर वो बोलता है शिव बाबा, तो माना जा सकता है। ऐसी नहीं है कि त्रिमूर्ति शिव जिन तीन मूर्तियों में प्रवेश करता है, चाहे वाचा के आधार पर, चाहे कर्मणा के आधार पर, चाहे धारणा के आधार पर, वो मूर्तियां गूंगी हैं। गूंगी हैं या बोलती हैं? है दो मूर्ति उवाच बोला, उवाच एक मूर्ति उवाच बोला या तीन मूर्ति उवाच बोला? है इसे क्या साबित होता है? एक मूर्ति बोलती है, दो मूर्ति बोलती है या तीनों ही मूर्ति बोलने वाली है? तीनों ही बोलने वाली है, टाइम उनका अलग अलग है। तो जो प्रजापिता वाली मूर्ति है वो बोल सकती है कि नहीं शिव बाबा, लेकिन वो निराकार ज्योति बिंदु के लिए बोलती है या अपने लिए कभी बोलती है? ये फर्क है। कृष्ण वाली मूर्ति अपन को भगवान का साकार रूप समझ लेती है,
और जो प्रजापिता वाली मूर्ति है वो कभी भी अपन को भगवान का साकार रूप नहीं मानती। इसका प्रूफ दोनों प्रकार की वाणियों में से पकड़ा जा सकता है। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी बोली गई उसको और प्रजापिता के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उस वाणी को टैली करके देखो क्या साबित होता है? हैं? कौन से वो अहम कह के बैठता है? हैं? कष्ट वाली आत्मा शिवो अहम कहकर बैठ जाती है। राम वाली आत्मा कभी भी अपन को भगवान नहीं बोलती। और कृष्ण वाली आत्मा ने बोला इसका कैसे? मुरली पढ़ लो। और प्रजापिता के द्वारा जो मतलब कोई भी कैसेट दिखाओ, कोई भी VCD दिखाओ, कोई भी टैप दिखाओ, कोई भी हस्तलिखित पत्र दिखाओ, कोई भी ईमेल ऐसा दिखाओ जिससे ये साबित होता हो कि ये अपन को भगवान कहता है। प्रजापिता के मुख से तो मतलब मुरली का क्लेम जैसा निकलता है, हाँ? तो जो भी मुरली जो भी बात आता है तो उसे तो मुखर शिव का तो प्रजापिता ये साबित होता है ना? वो साबित होता है, तुम साबित करो, तुम साबित करो, तुम निश्चय पत्र लिख करके दो। वो तो नहीं कहता, वो कभी कहता है उसके द्वारा कभी प्रूफ मिला? कोई प्रूफ हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि गहराई तक बुद्धि में बात बैठी हुई है कि भगवान कभी पतित नहीं बनता। जो भगवान की आत्मा है वो कभी पतित नहीं बनती है, और जो भगवान नहीं है सिर्फ आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, वो भगवान नहीं हो सकती। ये बात गहराई तक बुद्धि में बैठी हुई है। और बाबा शिव बाबा के आगे श्री रहना राय है कि रंग है, रंग है तो शिव बाबा को आगे श्री क्यों रह नहीं सकते? शिव बाबा के आगे श्री तो क्या डबल श्री लगता है? श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। डबल श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा है ना, उसको श्रेष्ठ आत्मा भी कहा है। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी होता है? फिर श्रेष्ठ कहाँ से हो गया? फिर बैल बुद्धि भी कहा है। जो बैल होता है वो बैल ज्ञान को हृदयंगम करेगा, बैल ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेगा कि मनुष्य करेगा? कौन करेगा? मनुष्य करेगा। तो मनुष्य के रूप में शंकर को दिखाया है, ब्रह्मा को देवता के रूप में गाया तो जाता है लेकिन पूजन पूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा के जो फॉलोअर बच्चे बने ब्रह्मा कुमार, उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ब्रह्मा के मुख से महावाक्यों को मिट्टी में मिलाई दिया, उनको फॉलो नहीं किया।
मुरली में बोला है, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अगर इसका फोटो भी रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार अपन को कहते हैं, वो जगह जगह फोटो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो पतित होंगे या पावन बनेंगे? पतित बन जाएंगे। और गाय का महिमा बहुत करता है, गाय गाय की महिमा। हाँ, जो गाय जानवर है उस जानवर गऊ की महिमा है या मनुष्यों की महिमा होती है? हैं? मनुष्यों के रूप में जो गाय का पार्ट बजाने वाली कन्याएं माताएं हैं भारत की, जिन कन्याओं माताओं को जीवन में एक खूंटे से माँ बाप बांध देते हैं, सारा जीवन उस खूंटे से बंध ही रहती है, उस खूंटे को तोड़ती नहीं है। विदेशी कन्याएं भी, माताएं भी ऐसा करती हैं क्या? नहीं करती है। इसलिए भारत की कन्याएं माताएं गौ माता के रूप में पूजी जाती हैं। विदेशी कन्याएं माताएं, विदेशी नदियां, उनमें कोई स्नान नहीं करता है। ये भारत की नदियों, भारत की गौ माताओं का गायन है। हाँ, जैसे बैल मनन चिंतन मंथन नहीं करता है, वैसे गाय भी मनन चिंतन मंथन नहीं करती है। इसलिए बोला कि गंगा या यमुना या कोई भी नदी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन सिर्फ एक शिव बाबा है। क्यों कहा? कि जिस एक मुकरर रथ में प्रवेश करता है, उस रथ के द्वारा मनन चिंतन मंथन हो करके जो अमृत निकलता है, वो अमृत ही ज्ञान अमृत पतितों को पावन बनाने वाला है। वो ज्ञान अमृत बुद्धि को पावन बनाता है। बुद्धि जब पावन बनती है तो शरीर को भी पावन बनने का पुरुषार्थ चलता है। और भक्ति मार्ग में तो जानवर गांव की बहुत मान्यता है। हाँ तो घास खा के जुगाली करती है। हाँ? वो गाय और बैल घास जब खाती है तो बाद में जुगाली करती है। हाँ? तो ये कहते नहीं, गौएं भी ज्ञान घास खाने के बाद जुगाली करती है, उसको विचार सागर मंथन नहीं करती? जुगाली तो करती है। अभी रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं? महावाक्यों का रिपीटिशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं, करवाते तो हैं, लेकिन नया पान तो कोई नहीं बुद्धि में से निकलता। नया ज्ञान सुनाकर नई दुनिया की स्थापना करता हूं, वो एक के द्वारा होता है या गाय और बैलों के द्वारा होता है? एक के द्वारा होता है। इसलिए एक ही पतित पावन है। गंगाएं और गौएं पतितों को संग के रंग से पावन बनाने वाली नहीं है। ऐसे नहीं है कि गुलजार दादी की गोद में सब जाने लगेंगे तो पतित से पावन बनने लगेंगे। बनेंगे कि गुलजार दादी की और मुसीबत हो जाएगी। और अष्टदेव निश्चय अनिश्चय में नहीं आएंगे। हैं? अष्टदेव निश्चय अनिश्चय में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो नंबर नहीं बनते हैं उनके? अष्टदेवों के नंबर बनते हैं या नहीं बनते हैं? बोलते क्यों नहीं? तो नंबर कैसे बनेंगे? अगर अनिश्चय में ना आए तो अव्वल नंबर ही रहे। अल्लाह अव्वल दीन, जिसके द्वारा
अव्वल नंबर के सनातन धर्म की स्थापना होती है वो तो एक ही मूर्ति है, उसको नंबरवार की लिस्ट में नहीं आना होता है, बाकी सब नंबर में आते हैं।